हेलो फ्रेंड्स, सिमंस किचन में आपका स्वागत है। आज हम अपने किचन में बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। आज एक नॉनवेज रेसिपी बनाएंगे, चिकन अंगारा। आज की जो हमारी रेसिपी है वो किसी के रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है, तो आई होप ये उनको रेसिपी पसंद आएगी। तो अब चलिए, इस सिंपल से रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। 3 बड़ा टमाटर मिक्सी में चला लिया है मैंने इसे, आप अगर चाहे तो बहुत ही बारीक इसे चॉप कर सकते हैं। दही ले लिया है मैंने 250 ग्राम, बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है इसे। 4 बड़ी प्याज फ्राई की हुई। अब प्याज बिरयानी में, कोरमा या चिकन अंगारा जब हम बनाते हैं तो फ्राई की हुई प्याज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर प्याज को परफेक्टली कैसे फ्राई किया जाए, इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़ी प्याज ले ली है, जो अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब कुछ सूखे मसाले चाहिए हमें, वो देख लेते हैं। मिर्च पाउडर 2 स्पून, तीखा आप अपने हिसाब से कम रहे। हल्दी पाउडर चाहिए हमें, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून और गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून। नमक हम अपने स्वाद अनुसार। मैंने चिकन अंगारा का मसाला पैकेट लिया है, तो ये हम डालेंगे मसाला 2.5 टीस्पून। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो देखिए, हमने सारे सूखे मसाले देख लिए। बाकी की जो हमें सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तेल हमें चाहिए इसे फ्राई करने के लिए, चारकोल चाहिए या कोयला, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देगा। घी चाहिए हमें 2 टेबलस्पून, यहाँ पे मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। हरा धनिया इसे गार्निश करने के लिए, और यहाँ पे मैंने रेड फूड कलर लिया है, जिसे मैंने अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लिया है। ये रेड फूड कलर ले लेंगे, आप अगर चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो अदरक और लहसुन की पेस्ट ले ली है मैंने 1.5 टेबलस्पून, इसे हमें आधा मैरिनेशन में डालना है और आधा हम फ्राई करते वक्त डालेंगे। तो ये हमने अपने सारी के सारी सामग्री देख ली है। अब हम जल्दी से चलते हैं हमारा अंगारा बनाने की तरफ। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो अब चिकन को मैरिनेट करने से पहले हम यहाँ पे हमने जो चारकोल लिया है उसे गर्म कर देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब हमने जो चारकोल लिया था उसे रख देंगे। जब तक कि हमारा चारकोल गर्म होता है, तब तक कि हम मैरिनेशन का मसाला लगा लेते हैं। तो अब चिकन मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक हांडी ले ली है। अब हम इसमें हमने जो चिकन अच्छे से वॉश करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, हमने चिकन डाल दिया इसमें। अब हम इसमें दही डाल देंगे, जो हमने अच्छे से बीट कर लिया था। ध्यान रखेंगे कि दही में कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये मैंने दही डाल दिया है यहाँ पे। अब सूखे मसाले, हमने कुछ सूखे मसाले लिए थे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। लेकिन ये सारे के सारे मसाले हमें पूरे इसमें नहीं डालने हैं। तो आधे मसाले हम यहाँ मैरिनेट करते वक्त डालेंगे और आधे हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तब इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे पहले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले हमें आधे यहाँ पे डाल देने हैं, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे। तो अब नमक डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे फूड कलर, जो हमने पहले ही अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। तो ये मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया है। अब हम अपने हाथों से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल देंगे इसमें, और जैसे कि मैंने आपको बताया, आधा हमें यहाँ पर डालना है और आधा हम इसे फ्राई करते वक्त डालेंगे। तो ये अदरक और लहसुन की पेस्ट डाल दी है मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो चारकोल गर्म करने के लिए रख दिया था वो भी गर्म हो चुका है। तो बीच में हमें इसे इस तरह से ऐसे थोड़ी सी जगह बना के यहाँ पर स्टील की हमें वाटी रख लेनी है। तो यहाँ पर हम इसमें चारकोल डालें। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो चारकोल है वो बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो बीच में वाटी रखी है उसे इसमें रख देंगे। तो ये चारकोल रख दिया है अब हमने इसमें, के तुरंत बाद हमें इसमें देसी घी डाल देना है। तो 1 बड़ा टीस्पून हम यहाँ पे देसी घी इसमें इसे डाल देंगे और तुरंत हमें इसे ढक देना है। अब ढकने के लिए हमें ऐसा बर्तन यूज़ करना है जिससे इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले और सारा के सारा फ्लेवर अंदर इसमें उतर जाए। तो ये अब हमने इसे ढक दिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही मैरिनेट होने के लिए छोड़ लेंगे। तब तक के हमारा चिकन भी बहुत अच्छे से इसमें मैरिनेट हो जाएगा और हमने जो इसमें चारकोल डाला है उससे भी इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो इसे आधे घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं। ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो जब तक कि हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है, तब तक कि हम चलते हैं इसकी ग्रेवी बनाने की तरफ। तो अब ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट। तो आधी अदरक लहसुन की पेस्ट हमने मैरिनेट करते वक्त डाल दी थी, बाकी की हम यहाँ पर डाल देंगे। अब इसे चलाते हुए हमें तब तक के फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी कलर चेंज नहीं कर लेती और हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। तो देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं और अदरक और लहसुन की पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम
अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी मैंने इसमें डाल दी है, चला देंगे इसे। और अब हम इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक से अच्छे से पका लेना है, या तब तक पका लेना है जब तक कि हमारे जो टमाटर है अच्छे से पक नहीं जाते और ये तेल ना छोड़ने लगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और अब हमारे जो टमाटर है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल निकलने लगा है। अब हमने इसमें सूखे मसाले डाल देने हैं। सूखे मसाले हमने आधे मैरिनेट करते वक्त डाल दिए थे और आधे हमने जो मसाले लिए हैं वो सारे के सारे मसाले हमें इसमें डाल देने हैं। चला देंगे इसे और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो इसमें सूखे मसाले डाले हैं उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे चलाते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट तक के पका लेना है ताकि मसालों से कच्चापन निकल जाए। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, हमारे जो मसाले हैं वो इसमें पक चुके हैं। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने पहले ही अच्छे से फ्राई करके रख दी थी। अब प्याज को जो हमने फ्राई किया था उसे मैंने मिक्सी में चला लिया है और इसकी पेस्ट बना ली है। आप अगर चाहें तो इसे बारीक हाथ से चूर के भी डाल सकते हैं। तो ये पेस्ट हम इसमें डाल देंगे, चला देंगे इसे अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज की जो हमने पेस्ट बना के रखी थी उसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि टमाटर की जो हमने प्यूरी डाली थी वो पक चुकी है और प्याज भी हमारी ऑलरेडी फ्राई है। तो बस 3 से 4 मिनट इसे पका लेंगे। अब हम इसमें हमने जो अंगारा का मसाला लिया था वो डाल देंगे। तो ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें ये मसाले का पैकेट हमने लिया था, तो 2.5 टेबल स्पून हम इसमें मसाला डाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये मसाला इसमें डाल दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मसाले को हमने डालने के बाद में 1 से 1.5 मिनट तक के पकाना है। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हमारा जो मसाला है वो पककर बिल्कुल तैयार है। अब ये ग्रेवी के लिए मसाला तैयार है। अब हम चलते हैं हमारे मैरिनेटेड चिकन की तरफ। जब तक कि हमारा जो मसाला पक रहा था आधा घंटा हो चुका है और हमारा जो चिकन है वो मैरिनेट हो चुका है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इसमें चारकोल का फ्लेवर आ रहा है। इसे हमने ढक्कन निकालने के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अब हमने जो ये चारकोल इसमें रखा था उसे हटा देंगे और अब हम इसमें डालेंगे हमने जो मसाला बना के रखा हुआ है वो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला अब हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे फूड कलर ने इसे बहुत अच्छा सा कलर दे दिया है। अब सबको मिक्स करने के बाद में हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है और इसे गैस पर रख दिया है। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन पानी हमें नॉर्मल पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा गुनगुना पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, लेकिन पानी आपको जितना चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। आपको गाढ़ी पतली जैसी ग्रेवी पसंद है यहाँ पे आप उतना पानी डाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि चिकन पकने के लिए भी उतना पानी ज़रूरी होता है। घी डाल देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं 1 टीस्पून घी डाल दी हूँ। यहाँ पे मैंने देसी घी यूज़ किया है। हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे नमक, लेकिन सॉल्ट हमने पहले ही चिकन मैरिनेट करते वक्त डाल रखा था, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक उबाल आ चुका है, अब गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 15 मिनट तक के पका लेना है। ये तब तक पका लेना है जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से पक नहीं जाता। अब ग्रेवी आपको जैसी गाढ़ी पतली चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब हमारा अंगारा बनकर बिल्कुल तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे सर्विंग डिश में निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा चिकन अंगारा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है गार्निश के लिए। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी तैयार है। जिसने रिक्वेस्ट की थी आई होप उनको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी।